ये एग्जाम क्या है अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो राइट सो इन दिसो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी थिंग अबाउट एफ सी आई एग्जामिनेशन ठीक है अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है यू वांट टू नो एलिजिबिलिटी आपकी वैकेंसीज कितनी आती है देन सिलेबस क्या है आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे पीवाईक्यूज आते हैं ओके okay, क्या पीवाईक्यूज रहे हैं एफ सी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं

So with that, let's start our today's video. And सबसे पहले मैं आपको बताती इसके recruitment notification और वैकेंसीज के बारे में देखो स्टूडेंट्स आई रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो ईयरली नहीं आती है लाइक योर आर बी आई नाबार्ड एफ ओ और एग्जामिनेशन जो भी है हर साल इस नोटिफिकेशन आती है ई not हाँ, थी सो वी आर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी फोर में एफसीआई के रिलीज ए नोटिफिकेशन बट देखो नोटिफिकेशन हर साल नहीं आती है बट जब आती है तो नंबर ऑफ वेकेंसी अगर देखी जाए इस नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा रहती है सो so, कितनी सारी वेकेंसीज है और क्यों आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है जब वेकेंसी ज्यादा होती है वहां पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो आई वुड से ठीक है कॉम्पिटिशन ज्यादा रहता है बट जहा पे आपको नंबर ऑफ वेकेंसीज ज्यादा दिख रही है

पोस्ट की बात करें तो टेक्निकल में नॉर्थ में 611 वैकेंसीज आई थी 2022 में 257 आई थी साउथ जोन में देन ईस्ट जोन में 87 वैकेंसीज थी वेस्ट में 121 और नॉर्थ ईस्ट में

साउथ में 435, ईस्ट में 110, वेस्ट में 110, हंड्रेड टेन सॉरी ईस्ट में 109, वेस्ट में 110 एंड नॉर्थ ईस्ट में 15 पोस्ट थी और अराउंड 1732 पोस्ट थी आपकी डीपो पोस्ट में सो so, इससे ये तो पता चल गया कि चलो नोटिफिकेशन हर साल नहीं रिलीज होती है बट जब रिलीज होती है बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन एफ आपका थोड़ा सा बढ़ जाती है क्योंकि अगेन

सब्जेक्ट से किसी भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन की है यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके सो फॉर बीइंग एलिजिबल इन जनरल पोस्ट आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए सेम गोज विद डीपो पोस्ट डीपो के लिए भी अगेन आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए दैट देर इज नथिंग मच रिक्वायर्ड इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर बोथ जनरल एंड डीपो पोस्ट नाउ हेयर वी हैव अनदर टाइप ऑफ पोस्ट विच इज टेक्निकल पोस्ट ठीक है अब टेक्निकल पोस्ट में भी अगेन बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं अगर आपने बीएससी की है एग्रीकल्चर में या आपने बीएससी की है बॉटनी बायोटेक बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फूड साइंस में अगर आप आपने इनमें से किसी में भी बीएससी की है यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल पोस्ट नॉट ओनली दो बट ऑल्सो इफ यू हैव डन बीटेक और बी इन फूड साइंस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है बायोटेक्नोलॉजी सो so, आप तब भी टेक्निकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर बीइंग एलिजिबल इन एफसीआई एंड आई कैन सी ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ यू वुड बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन इफ बी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन राइट बेर मिनिमम ग्रेजुएशन सबने की होती है तो एटलीस्ट आप जनरल और डीपो के लिए तो एलिजिबल हो ही अगर टेक्निकल में नहीं हो राइट right? तो अब देख लेते हैं एग्जाम एलिजिबिलिटी के बाद एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट इस इस है वो थोड़ी सी कम है एज पर एज चाहिए टू गिव दिस एग्जामिनेशन ठीक है अगर आपकी एज इतनी है आप, आपकी, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड इट्साइम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इफ यू आर टारगेटिंग एफ सी ठीक है सो so, अब एग्जाम एलिजिबिलिटी के बाद समझ लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है राइट right? आपका क्या पैटर्न होने वाला है कितने फेजेस में एग्जाम होने वाले है इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा ओके okay? कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और एज वेल एज कि क्या ओवरऑल पैटर्न रहेगा फेज वन और फेज टू का वी सी एग्जाम पैटर्न तो आपका पहले फेज वन होगा ओके वी हैव टू फेजेस हियर फेज वन एंड फेज टू उसके बाद देर विल बी नो इंटरव्यू एफ में आपको फेज वन देना है उसके बाद आप फेज टू दोगे फेज टू के जो आपका मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे आप सिलेक्शन लोगे ठीक है कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है तो अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये हो गया कि हाँ इंटरव्यू नहीं है आपने सिर्फ फेज वन और फेज टू क्लियर करना है अब पैटर्न देख लेते हैं फेज वन का पैटर्न क्या रहता है फेज टू का पैटर्न क्या रहता है तो स्टूडेंट्स फेज वन में यू हैव फोर सेक्शन ठीक है फोर सेक्शंस होंगे पूछे जाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैडर जिसमें आपने अप्लाई किया है बी यू हैव अप्लाइड फॉर जनरल टेक्निकल अकाउंट ओके अकाउंट और डीपो पोस्ट आपका फेज वन का पेपर विल बी सेम ओके एंड इट विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दैट इज क्वांट और जी एंड करंट अफेयर ठीक है अब जीएस में क्या क्या आएगा जीएस में आएगा, आएगा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी और जो आपका जनरल साइंस है अप टू क्लास एट्थ लेवल का ठीक है तो ये आ गया आपका जीएस वाला पार्ट जिसके ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे और करंट अफेयर में होंगे आपके फाइव क्वेश्चन करंट अफेयर क्या है जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे चल रहे होंगे वहां से आपके पांच नंबर के क्वेश्चन होंगे ठीक है सो इन टोटल जो ये आपका फोर्थ सेक्शन है जीएस और जीए वाला पार्ट उसमें आपके ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी मार्क्स के

अब स्टूडेंट्स एफसीआई में ना सेक्शनल टाइमिंग होती है ठीक है एग्जाम में क्या होता है आपको कॉम्पोजिट टाइम दिया जाता है कुछ बैंकिंग एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है बट मोस्टली एग्जामिनेशन में क्या होता है कॉम्पोजिट टाइम होता है एफ में भी सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे आपको कॉम्पोजिट टाइम नहीं मिलेगा ठीक है आपके जो 60 मिनट है ये जो 60 मिनट है, है आपके वो डिवाइडेड है इन चार ग्रुप में कैसे आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 25 वो आपने करने हैं फिफ्टीन मिनट्स में ठीक है आप 15 मिनट में इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आफ्टर 15 मिनट आपकी जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगी आपको किसके क्वेश्चंस दिखेंगे रीजनिंग के ठीक है अगेन आपको 15 मिनट दिए जाएंगे टू सॉल्व 25 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी देन अगेन यू विल हैव सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 15 मिनट्स फॉर क्वांट्स ठीक है देन अगेन 15 मिनट्स फॉर यस जीएस एंड करंट अफेयर वाला पार्ट क्लियर सो ये आपने ध्यान रखना है फेज वन में इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग तो से प्रैक्टिस करो कि जो 15 मिनट्स में वहां पे आप एक्यूरेटली मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प कर पाओ क्योंकि यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी राइट यहाँ पे आपकी कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए

ठीक है अब वर्जन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि क्या हम इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं यस एक्सेप्ट इंग्लिश जो इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा रेस्ट सेक्शन यू कैन गिव इन हिंदी एज वेल ओके बायोलिंग्वल वर्जन है एग्जामिनेशन का अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है देन यू कैन गिव दिस एग्जामिनेशन इन हिंदी एज वेल क्लियर सो अब पे फेज वन का पैटर्न आई होप क्लियर होगा अब जब फेज वन हो जाता है आपकी कट ऑफ निकलती है रिजल्ट आता है राइट आपने वो कट ऑफ क्लियर कर ली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फेज 2 दे विल कॉल यू फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन नाउ फेज 2 का पैटर्न क्या रहता है लेट्स सी देखो स्टूडेंट्स फेज 2 में अगर अब दो चीजें हो जाती है अगर आपने जनरल और डीपो से भरा है देन फेज 2 में आपका सिर्फ पेपर 1 होगा ठीक है बट अगर आपने टेक्निकल या अकाउंट्स या कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट भरी है देन आपके फेज टू में दो पेपर होंगे ठीक है पेपर वन एंड पेपर टू सो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू जो आपका पेपर वन होगा ठीक है जनरल डीपो अकाउंट टेक्निकल जो भी है पेपर वन फेज टू का सब सेम होगा जनरल और डीपो में सिर्फ पेपर वन होगा अकाउंट्स और टेक्निकल में पेपर वन के साथ पेपर टू भी होगा

And आपका जो जीएस और जनरल साइंस वाला पार्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है वो फोर्टी फाइव मार्क्स का हो जाता है यहाँ पे क्यों क्योंकि यहां पे आप कंप्यूटर अवेयरनेस पांच नंबर की एड हो गई है करंट अफेयर है जनरल साइंस के देर विल बी टेन क्वेश्चन ओके और आपका जो जीएस है विच इज हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी उसके फिफ्टी फाइव क्वेश्चन होंगे सो यहाँ पे अगेन अब थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया है कि आपका जो जीएस वाला पार्ट है विच इज बायो फिजिक्स केमिस्ट्री राइट जो हम टेंथ में पढ़ते हैं वहां से टेन क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर होंगे आपके फाइव नंबर के और कंप्यूटर अवेयरनेस होगी आपकी फाइव नंबर की यहाँ पे टोटल आपको फोर्टी फाइव क्वेश्चन मिलेंगे फोर्टी फाइव मार्क्स के ठीक है सो so,

फेज टू का जो पेपर वन का पैटर्न है वो क्लियर होगा नगर आप जनरल और डीपो से होट इज दैट बट अगर आपने, technical भरा है, या फिर आपने accounts भरा है, इसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा ठीक है और वो पेपर क्या होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा ओके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर इन से क्या है बेसिकली वहां पर पे आपका पेपर टू में सिक्सटी क्वेश्चन सब्जेक्ट ठीक है अब सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं अगर आपने टेक्निकल से भरा है तो देर सेलेक्ट ए और बी अगर आपने कोड ए सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते टाइम तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे पेपर टू में वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी जुलॉजी से होंगे अगर आपने कोड बी सेलेक्ट किया है तो आपके क्वेश्चंस एग्रीकल्चर फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे ये क्वेश्चंस सिक्सटी होंगे ऑफ टू मार्कर ईच तो आपका ये वन ट्वेंटी मार्क्स का दूसरा पेपर होगा ठीक है आपका पेपर वन पेपर टू के जो कंबाइंड मार्क्स होंगे उससे ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी क्लियर क्लियर आई होप अब ये भी क्लियर है है फे, का जो पेपर टू है, वो कैसे होने वाला है सेम गोस फॉर अकाउंट्स अकाउंट्स वाले बच्चे भी अगर आपने अकाउंट से भरा है तो आपका पेपर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा ठीक है आपके अकाउंट से क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस होंगे मार्कर ईच मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है क्लियर उट द फेज टू आई होप अब आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है क्लियर हो गया होगा राइट ना एग्जाम पैटर्न समझने के बाद समझ लेते हैं कि अब पढ़ना कैसे है ठीक है एग्जाम पैटर्न समझ आ गया ठीक है हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गई सब कुछ समझ आ गया बट अब पढ़ेंगे राइट right? एग्जाम तभी तो निकलेगा है ना पढ़ेंगे तो ही तो क्लियर होगा सो पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो तो चलो अब स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आ जाते हैं सो so फर्स्ट आपने सिलेबस देखना है देखो स्टूडेंट सिलेबस जो दिया है एफ नोटिफिकेशन में पास्ट ईयर दैट इज जस्ट फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट लाइक आपका टेक्निकल्स का सिलेबस दिया है फॉर फेज टू स्पेसिफिकली और आपका अकाउंट्स का सिलेबस दिया है वहां पे आपका फेज वन और पेपर वन और फेज टू का सिलेबस नहीं है देखो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जीएस और जी वाला पार्ट है दैट इज अंडरस्टूड कि ये एक पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशन में जो कॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश आती है दैट विल बी ठीक है तो आपके जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है अगर आप किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है तो यू you नो know कि क्वॉन रीजनिंग इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है ठीक है बट अगर आप नहीं कर रहे हो आप अभी बिल्कुल ही फ्रेशर हो अभी आप फाइनल ईयर में हो या फिर आपने जस्ट फाइनल अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया है तो आपने क्या करना है देखो स्टूडेंट्स इट्स नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में जो बेसिकली कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है बी एट योर आई बी पी एस आर बी आई ठीक है नबार्ड ओके okay? और कोई भी और क्लरिकल लेवल का बैंकिंग एग्जाम हो गया है ना एस बी आई हो गया तो कोई भी एग्जामिनेशन में जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वहां पे कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब वही टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए ठीक है वो चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ यू नो डूइंग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन बढ़ जाएगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दीज चैप्टर्स ठीक है अब मैं इतने बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि कुछ चैप्टर कुछ चैप्टर तो वो चैप्टर्स क्या है सी

एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम सो अब ये इंपॉर्टेंट चार चैप्टर स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट आप किसी भी banking exam को देख लो इन चार चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं ठीक है, देखो, number series, quadratic equation, simplification. Important है अगर एक डी आई आ गया वहां से चार क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ठीक है नंबर सीरीज से भी दो तीन क्वेश्चन रहते हैं Then, quadratic equation, easy topic है, आप कर सकते हो राइट देन सिंप्लीफिकेशन भी इजी टॉपिक है अगेन अगर आपने प्रैक्टिस की तो इट इज डूबल नाउ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप अच्छे से करो इनको ठीक है प्रैक्टिस करो अगर बात आती है कि कौन से लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो वो आपने इजी लेवल के क्वेश्चन करने हैं ठीक है थीके? बहुत डिफिकल्ट बैंक पीओ लेवल के क्वेश्चन नहीं करना है यहाँ पे बहुत ईजी लेवल के और इजी टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो देन दैट्स गुड एग्जाम में भी वही लेवल के क्वेश्चन होंगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जो और चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो है परसेंटेज रेशियो प्रपोशन देखो परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डीआई सोल्व करोगे डीआई सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए देन ओनली यू कैन सोल्व एज डीआई एज फास्ट एज यू कैन राइट तो जल्दी जल्दी तभी डीआई सोल्व होगा जब परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन आता होगा राइट इंटरेस्ट भी काम आ जाता है डीआई में टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चंस होते हैं मिक्सचर एवरेज प्रोबेबिलिटी एरिया वॉल्यूम एज पार्टनरशिप ठीक है प्रोबेबिलिटी एरिया वॉल्यूम एज पार्टनरशिप आप फिर भी लो प्रायोरिटी रख सकते हो बट और सारे चैप्टर्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं नाउ कमिंग टू द रीजनिंग आप देखोगे किसी भी एग्जामिनेशन में जहां पे भी रीजनिंग पूछी जाती है वो चैप्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं उन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ठीक है अब वो क्या हैं बेसिकली बेसिकलीटिंग अरेंजमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अल्फानेरिक सीरीज कोडिंग डी रैंकिंग ऑर्डर ब्लड रिलेशन उटपुट एंडलिंग रैंकिंग ऑर्डर ब्लड रिलेशन इन इक्वालिटीजम और डायरेक्शन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी लेवल के क्वेश्चन डुएबल है आप अगर प्रैक्टिस करोगे अगेन रीजनिंग हो जाएगी ठीक है कहाँ से पढ़ना है दैट आईम गोइंग टू टेल यू सोर्सेज भी हम बताएंगे राइट इंग्लिश में अगर आ जाते हैं तो इंग्लिश में आपने कॉम्प्रिहेंशन वाले प्रैक्टिस करने हैं जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं ठीक है देन सेंटेंस एंड वर्ड रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करना होता है सेंटेंस दिया होता है वर्ड रीअरेंजमेंट करना होता है वो प्रैक्टिस करना है क्लॉज टेस्ट एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए ठीक है तो अच्छे से फिर इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स यहाँ पे कम से कम होनी चाहिए क्लियर सो so ये तो हो गया अगर हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की बात करें नेक्स्ट अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले सिलेबस की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में आ जाता है हमारा ये जो एफ के नोटिफिकेशन में दिया रहता है ठीक है अगर आपने कोड ए सेलेक्ट किया तो वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर बॉटनी जोलॉजी आएगा राइट तो वहाँ पे आपने फिर एग्रीकल्चर बॉटनी जोलॉजी ये टॉपिक्स अच्छे से करने ठीक है सी स्टूडेंट्स आई हैव सीन द प्रीवियस क्वेश्चन मैंने P -P -P आपने ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से ये टॉपिक दे रखे हैं बट हम पूरी एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं देखो अच्छा है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर के आने चाहिए क्लियर होने चाहिए बट आपने ये माइंड में रखना है कि आप एफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके सिलेबस में क्या दिया है तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को आप थोड़ा फोकस करोगे इसको अच्छे से पढ़ोगे हाँ उसके अलावा और भी जो बेसिक एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है या और जो सब्जेक्ट है वो भी आपने कवर करने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो यहीं से होंगे क्लियर नेक्स्ट वी हैव बॉटनी बॉटनी में ये जो सेल बायोलॉजी ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम जेनेटिक्स एंड प्लांट क्लासिफिकेशन ये वाला जो पार्ट है ये आपने इलेवंथ लेवल का पढ़ना है ठीक है आपने ये टॉपिक देखना है इलेवंथ लेवल में जितना भी दिया है एनसीईआरटी में कवर दैट देन ज़ुलॉजी में भी अगर अगेन एनिमल सेल ऑर्गन सिस्टम हेरिडिटी एनिमल क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेजम इन्सेक्ट कंट्रोडेंट ये वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा अलग प्रिपेयर करना है आप किसी भी वेबसाइट uh, you know, का रेफरेंस ले सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर दैट ठीक है नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री में भी अगेन आपने ये टॉपिक्स देखने हैं एंड प्रिपेयर करना है फिजिक्स के लिए भी सेम ठीक है तो ये होगी एग्रीकल्चर का सिलेबस अकाउंट्स के लिए भी सिलेबस दिया है तो अकाउंट्स के लिए फेज टू के लिए पेपर टू जो होता है उसके लिए ये कुछ टॉपिक्स है जो आपने रेफर करने हैं इलेवन ट्वेल्थ की बुक रेफर कर लो अगेन दैट विल बी सफिशियंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ठीक है सिलेबस तो ऐसे पहले अच्छे से पता होना चाहिए नौ अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें ठीक है नौ स्टूडेंट्स देखो जीएस का भी सिलेबस नहीं दिया है राइट right? तो जीएस के लिए कोई सिलेबस नहीं दिया है तो वहां पे आपने क्या पढ़ना है book, Agrawad, ठीक है बहुत अच्छी बुक है यू कैन रेफर टू इट बहुत सारे एग्जाम को केटर करती है बट आपने सिर्फ जो बेसिक एग्जाम है या फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने है ठीक है इन चैप्टर्स को उठाओ इस बुक से

वही उठा के वहां से उसके क्वेश्चन लेवल के दैट विल बी ठीक है सोर्सेज फॉर इंग्लिश अगेन रेन मार्टिन की बुक है आप इसको रेफर कर सकते हो इंग्लिश के लिए आप न्यूज पेपर पढ़ सकते हो ठीक है आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको हेल्प हो जाएगी और ऑल्सो आपकी जो ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट uh, हो जाएगा राइट ग्रामेटिकल एरर्स एर वो कम हो जाएंगी यू यू विल नो की सेंटेंस कैसे बनते हैं राइट तो एवरी थिंग इज कवर्ड तो न्यूज पेपर रीडिंग इंग्लिश की कोई बुक ले लो और जहां पे आपको questions अच्छे खासे मिल जाते हैं, you do it, that will be sufficient, ठीक है जीएस के लिए भी कोई सिलेबस नहीं दिया है we have just, we have been just told कि यहाँ पे आपकी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी आ जाएगी और आपका जनरल साइंस एट्थ और टेंथ लेवल का आएगा ठीक है नाउ स्टूडेंट्स देखो फेज वन में जो है आपका हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी वो Uh, वो और उसके अलावा आपका जनरल साइंस लेवल का आएगा 20 होंगे करंट अफेयर के फाइव क्वेश्चन होंगे फेज में ये पे बढ़ जाएंगे ट्वेंटी होंगे जीएस से जनरल स्टडीज से आपके जनरल साइंस से आपके टेन क्वेश्चन होंगे पांच क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के एंड पांच क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के ठीक है अब इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली कोई सिलेबस नहीं दिया है कि ये ये टॉपिक्स आपने करने हैं जैसे कि आपके uh, टेक्निकल और अकाउंट्स वाले के लिए दिया है है तो तो अब जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो हम क्या देखते हैं कि जो और एग्जामिनेशन में जीएस वाला पार्ट है लाइक आपका एस एस वाला एग्जामिनेशन है या फिर कोई और एग्जामिनेशन है जहाँ पे जीएस पूछी जाती है ठीक है तो उसमें क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का ठीक है तो अगर आप एस एस का एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है किस लेवल का जीएस वहाँ पे आता है तो आपके लिए एफ सी आई में जीएस आपको एडिशनली तैयार करने की जरूरत नहीं है ठीक है बट आई नो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने जीएस अभी तक नहीं पढ़ी है या फिर तक पढ़ के छोड़ दिया राइट right? तो अब आप लोगों ने क्या करना है देखो स्टूडेंट्स माई एडवाइजेस देखो माई एडवाइजेस पहले तो आप जो स्पेसिफिकली जीएस वाला पार्ट है हिस्ट्री इकोनॉमी और ज्योग्राफी उसके लिए नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी पढ़ लो ठीक है नाइन्थ और टेंथ की एन पढ़नी है ना अगर आपको ये लगता है कि बुक पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ठीक है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बुक कवर करने में एन बुक कवर करने में तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी आप रेफरेंस ले सकते हो वीडियोज का आप वीडियोज के थ्रू पढ़ सकते हो ठीक है अग्न बहुत

That will be जब आपने और की कर ली जीएस उसके बाद आपने ना जो ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज है वो कवर करनी है ऑलरेडी बेसिक्स right? अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया यहाँ पे तो यहाँ पे आपको उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी हाँ कुछ एडिशनल यहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा ठीक है सो so ये इतना सफिशियंट है आपके जीएस वाले पार्ट के लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस की ठीक है आई होप जीएस वाला पार्ट क्लियर होगा ठीक है कैसे पढ़ना है क्या करना है तो आप कोई भी चैनल को देख लो यूट्यूब में जो भी चैनल है ठीक है जो इलेवंथ ट्वेल्थ नाइन टेंथ इलेवंथ की जीएस पढ़ा रहे हैं तो नाइन टेंथ लेवल का आप अगर कवर कर ले तो एनसीआर लेवल का दैट विल बी सफिशियंट कंप्यूटर अवेयरनेस पे आता है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए देखो स्टूडेंट्स पांच ही नंबर हैं राइट right?

और वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट आपने जो मतलब जनरल आप नहीं पढ़ना है तो अगेन कोई भी एक यूट्यूब uh, कवर करते हैं डेली करंट अफेयर कवर करो ठीक है जब भी एग्जाम आएगा तो दो तीन महीने का जो करंट अफेयर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लियर नाउ नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज फॉर द टेक्निकल पोस्ट ठीक है यहाँ पे अब अगर आप बॉटनी जुलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर सोर्सेस पूछोगे तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है कि आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का एन देखो ठीक है तो बॉटनी जुलॉजी आपने इलेवन ट्वेल्थ की देखनी है फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगेन इलेवन ट्वेल्थ की देखनी है वहां पे भी आपने पूरी एन नहीं पढ़नी है ये जो चैप्टर्स दिए हैं एन में वो कवर करने हैं ठीक है न बॉटनी और जुलॉजी यूजअली जो टेक्निकल पोस्ट के लिए बच्चे जाते हैं उन्होंने इलेवन ट्वेल्थ तक बायो पढ़ी होती है यहाँ पे पेन पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा सा जो दिक्कत होती है कि एग्रीकल्चर कैसे पढ़े जो बॉटी जोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है बट यहाँ पे इतना भी नहीं एग्रीकल्चर पूछते हैं कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो राइट right? आपने जब बायो जनरल बायो आपको पता है आपको बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पता है आपने इलेवन ट्वेल्थ में बायो पार्ट कवर किया है एग्रीकल्चर भी उसी लाइन पे है ईजी है डुएबल है आप कर सकते हो ठीक है आपने स्पेशली दो चैप्टर पे ध्यान देने एग्रीकल्चर के एंटेमोलॉजी और प्लांट प्रोटेक्शन दैट इज प्लांट पैथोलॉजी ठीक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी आप आ, कर लोगे ठीक है इट्स नॉट वेरी कॉन्सेप्चुअल बहुत ही जेनरिक चीजें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो आप कर लोगे और स्टैटिस्टिक जो थोड़ा स्टैटिस्टिकेटा है वो आपने कवर करना है अब एग्रीकल्चर के लिए आप ये दो बुक है नीमराज सुंडा और अरुण कात्यान ये आप रेफर कर सकते हो फॉर एग्रीकल्चर वाला पार्ट ठीक है तो जिन बच्चों ने अभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी है उनके लिए आई वुड सजेस्ट कोई भी एक बुक रेफर करो ठीक है कोई भी एक बुक रेफर कर लो अरुण कात्यान कर लो क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा तो अच्छे से, से तो उसके बाद आप नीमराज सुंडा से आराम से रिविजन कर सकते हो ठीक है सो so, एग्रीकल्चर के लिए ये आप कर सकते हो इफ यू हैवन स्टडीड एग्रीकल्चर ठीक है नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट चीज दैट आई वॉज अबाउट टू गिव यू इज Type of asked in the है to कि कौन से जीएसटेर सेशन तो तो या तो अभी स्क्रीन शॉट ले लो ट्राई टू सोल्व दी अपने आपको करो कि आपको कितना आता है ठीक है क्यों मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं आगे आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन विदाउट आंसर ठीक है मैं आंसर रख रही थी पहले फिर मैंने सोचा कि आंसर हटा दिया जाए सो दैट यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है ये कुछ एग्जाम्पल्स है अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देन वेरी वेल आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो ठीक है कि कितना आपने आपको ऑलरेडी पता है और कितना आपने प्रिपरेशन करने की जरूरत है ठीक है तो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसको अगर एफ देना है तो उनको उन्होंने उनों, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कवर किया होगा एफ से रिलेटेड बस हाँ एफ उन्होंने आई क्या आता है उस एग्जाम के अलावा वो आपने कवर करना है तो आप क्या करो यू कैन टेक स्क्रीन शॉट राइट हेर ऑल्सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बायर ओन ये जीएस के कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको कुछ चीजें पूछी गई है आयरन पिलर नियर कुतब मिनारे क्वेश्चन टेरिटोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड सो एंड सो ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हो अगेन क्वार्स के दो तीन क्वेश्चन है रीजनिंग के दो क्वेश्चन है टेक स्क्रीन शॉट एंड ट्राई टू सोल्व दुकी ये एक्जैक्ट क्वेश्चन है जो

इन इक्वालिटीज हैं आए हैं राइट तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन वी हैव फ्रॉम इंग्लिश ठीक है इंग्लिश right? so uh, के एरर डिटेक्शन के आई थिंक क्वेश्चन है तो आपने ये तीन दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तब अब ये टेक्निकल वाले पोस्ट के क्वेश्चन हैं ठीक है थीके? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एज एजमाटाफॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो ये आपका सेल वाले पोर्शन से आ गया देन इंसेक्टिव प्लांट ओके यहाँ पे आंसर आ गया है बट चलो इंसेक्टिव प्लांट तो ये आपका अग्न जोलॉजी वाला पार्ट आ गया राइट सॉरी बॉटनी वाला पार्ट आ गया लिया गया pest management, आ, है बेस्ट मैनेजमेंट अग्ञान एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है राइट देन वी हैव कि टाइप ऑफ एंटीना फाउंड एंटेमोलॉजी वाला पार्ट है तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है ये आपके रेफरेंस के लिए ठीक है कि आपको पता चल सके एग्जामिनेशन में एक्चुअली में क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप नाउ थ्रू दिस वीडियो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी एफ सी ए जी थ्री एग्जामिनेशन की ठीक है तो आई हैव ट्राइड टू ब्रॉट अप एवरी ब्रिंग अप एवरी थिंग दैट इज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन हियर ठीक है आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आप इस वीडियो को देख के मैक्सिम चीजें आपको पर, कवर हो गई होंगी एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग अगर आपको कुछ और पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन राइट और आपको ये वीडियो कैसे लगी दैट ऑल्सो आई वॉन्टेड टू हेयर फ्रॉम यू ठीक है और आपको किस चीज पे आगे वीडियो चाहिए

everything is doable coi exam possible okay so that's all from my side i wish you all the best for your preparation thank you thank you so much